हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आई हूँ टैगोर गार्डन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मार्केट में। आज हम आए हैं यहाँ पर, ये आलू पराठा, लच्छा पराठा वगैरह बन रहा है, तो हम आज यहाँ पर थाली टेस्ट करने आए हैं। तो भैया से मिलाते हैं। हेलो भैया, क्या नाम है? भोला राय। ये भोला राय नाम है। तो भैया कौन सा ढाबे का नाम? मोहित सिंह ढाबा। ढाबे का नाम मोहित सिंह ढाबा है। एक्चुअली बैनर लगा हुआ नहीं था तो इसलिए हमें पता नहीं, तो भैया से हमने पूछा था कि भैया ढाबे का नाम क्या है, तो उन्होंने बताया मोहित सिंह ढाबा। तो भैया, तो ये कब से ढाबा लग रहा है? काफी दिन से ढाबे, ये बोले 35 साल हो गए इसका। 35 साल हो गए, 35 से। ये 35 ईयर से, 85 से लग रहा है गाइस। जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी तब से ये यहाँ पर ये ढाबा चल रहा है। तो आप तो नहीं लगा रहे 35 साल से, है ना? मैं पापा लगाते, अंकल लगाते थे। अंकल लगाते हैं, अंकल। अच्छा अच्छा, तो अंकल जी एक्सपायर हो गए, सॉरी फॉर दैट, पर उनके बाद भी चल रहा है, कंटिन्यू है भैया, ये चलता रहेगा। ये काम तो आगे, आपके बाद आपकी पीढ़ी आएगी और आगे जनरेशन आएगी। तो भैया आप हमें सब्जी दिखाएंगे, क्या क्या सब्जी है? ये आलू गोभी की सब्जी है गाइस, और आलू मटर की सब्जी है। ये आलू मटर की सब्जी है, और वाइट छोले। ये वाइट छोले हमारे, देखो कितने गर्म है, अभी तक कितना धुआं निकल रहा है। ये बढ़िया बात है, जो गर्म सब्जी होती है ना, खाने का मज़ा ही अलग है। देखो कितने अभी गर्म है, ये दाल मखनी, ये क्रीमी क्रीमी दाल मखनी, मक्खन से बने चावल है, रायता है, ये आंटी जी। आंटी जी घर पे ही सब कुछ बन के आता है? नहीं, वैसे तैयार तो यही बहुत, मैं रायता बनाती हूँ घर का, अपना ही घर का गर्म दूध करके उसी से बनाती हूँ। ये आंटी जी रायता खुद घर से बना के लाती है, बाकी सब्जी वगैरह यहीं पे बनती है, सारा कुछ अच्छा, सारा फ्रेश होता है। वो लग भी रहा है अभी, देखो जैसे गरम गरम उसमें हीट निकल रही है, धुआं निकल रहा है, तो देखने में इतना टेस्टी लग रहा है। तो आइए टेस्ट करके फिर आपको बताते हैं, ठीक है? करते हैं टेस्टिंग। सो गाइस, ये हमारी प्लेटिंग लग चुकी है। ये देखो आलू के नान है, इसमें ये देखो स्टफिंग दिखाती हूँ मैं आपको, पूरा आलू से भरा हुआ है, और इस पे ये बटर लगाया गया है, और मैं आपको टेस्ट करके दिखाती हूँ। ये है हमारी दाल मखनी, और ये आलू गोभी की सब्जी, और ये है हमारा रायता। तो टेस्ट करते हैं। रियली यार टेस्टी है, काफ़ी बटर में डुबाए गए हैं पराठे, तो बटर का टेस्ट आ रहा है बहुत, और दाल बहुत ही क्रीमी है। अच्छा, भैया ने बताया जैसे कि बटर से बनी है, खाके में बटर का टेस्ट आ रहा है। अब ट्राई करते हैं हम, ये हमारी दूसरी सब्जी आलू गोभी की। इनकी ये बात बहुत अच्छी है कि आटा है, ये मैदा वैदा मिक्स नहीं है, नहीं तो कोई होता है कि मैदा मिक्स करते हैं। ये हमारी आलू गोभी की सब्जी देख सकते हो आप, टेस्टी है, अच्छी है। तो मैं भी आप लोगों को कहना चाहूँगी कि ये टैगोर गार्डन मार्केट शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पीछे, आप भी आप यहाँ आके इनका ये खाली टेस्ट कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, और मुझे कमेंट में बताइए कि किस किस को आलू नान या कौन से नान पसंद है। और मेरी लच्छा पराठा आंटी जी बता रही है, आंटी जी बता रही है कि हमारे, आंटी जी आप भी यहाँ करते हैं, आपका है ये? अच्छा अच्छा, पहले अंकल जी के, अंकल जी चलाते थे, अब आप यहाँ पर रहो। अच्छा, घर पे भी देखते हैं आप? घर पे भी कोई शॉप वगैरह खोल रखी है क्या? घर पे कौन, मतलब क्या शॉप है? बताया उन्होंने कि 35 साल से यहाँ पर चल रहा है। टेस्टी है आंटी, खाना बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा हमें। क्या नाम है आंटी आपका? मेरा नाम उर्मिला है। उर्मिला है, ठीक है। हम लोगों को रिक्वेस्ट करेंगे आंटी जी के ढाबे पे आए और आंटी जी के लच्छे पराठे और ये थाली टेस्ट करें। आंटी जी खुद बनाती है, लग रहा है घर का टेस्ट आ रहा है, दाल बहुत टेस्टी है आंटी, वाकई में दाल बहुत टेस्टी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। Oh, 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 oh
हूँ।